मुफ्ती साहब, क्या नबी से मदद मांगना शिर्क है? वजाहत फरमा दें। अब यहीं बैठे बैठे कोई नबी से मदद मांगता है कि या रसूल अल्लाह आप मुझे औलाद दे दें, तो ये असबाब के तहत है या असबाब से हटके है? असबाब से हटके, ये मदद शिर्क है। खूब समझ लो, शिर्क में ये नहीं देखा जाता कि किससे मदद मांगी जा रही है, कि पैगंबर से मांगी जा रही है या बुतों से। ये देखा जाता है अल्लाह के अलावा मांगी जा रही है, तो जिससे भी मांगोगे काफिर हो जाओ। जन्नत से भी आजाद है और जहन्नम से भी आजाद है। ये 100 मरतबा दुरूद पाक पढ़ने की बरकत है, ज्यादा पढ़ेंगे तो बरकतें बेशुमार। अल्लाह ताला मुझे और आप सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। आइए, जो आयत तैयबा मैंने पढ़ी है उसका सहारा लेकर बात को आगे चलते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सबरी वस्सला, ए ईमान वालों मदद हासिल करो नमाज से और सब्र से। इन्नल्लाह मअस्साबिरीन, बेशक अल्लाह सब्र वालों के साथ है। बिल्कुल सादा मफहूम है, लेकिन इसके दामन में कुछ जरूरी मोती हैं जिनको चुनना इंतहाई जरूरी है। पहली बात यह है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, अब इसका मैं तफसीरी आपको तर्जमा दे रहा हूं, तफसीरी फरमाया, जब तुम्हें कोई मुश्किल आ जाए तो उस वक्त तुम मदद हासिल कर सकते हो, किससे? नमाज से भी और सब्र से भी। तवज्जो है सब्र, बेटे को बैठने की जगह दीजिए, इसको पीछे अल्लाह अकबर है, जगह तो ठीक है। बह जा मेरा चन्न, छेती कर छेती, जल्दी कर जल्दी, बह जा, अल्लाह अकबर। पहली बात यहां काबिले गौर यह है कि फरमाया, जब तुम्हें कोई मुश्किल आ जाए ना, तो तुम नमाज से और सब्र से मदद हासिल कर सकते हो। तो मेरा ख्याल है जितने हम लोग बैठे हैं, एक छोटा सा मसला ना हल कर लें, अगर आप तवज्जो करें तो। ये जो कुरानी जबान होती है ना, ये सबके लिए दलील होती है। अब यहां पर बसौकात ना दायरे बहुत छोटे लोगों ने लगाए और कुफ्र और शिर्क के फतवे लगाए, उम्मत मुस्तफा को तकसीम करके रख दिया, जबकि कुरान का असल मतलब वो जो माना था वो समझ नहीं सके। अल्लाह के अलावा किसी से मदद मांगोगे तो मुशरिक हो जाओगे। मैंने कहा अल्लाह खुद कह रहा है कि जब मुश्किल आ जाए तो नमाज से भी मदद ले लो और सबर से भी मदद ले लो। अगर किसी भी और चीज से मदद हराम थी तो अल्लाह फरमाता भी मुझसे ही लो, तुम और कहीं नहीं जा सकते हो। तो ये क्यों फरमाया? ये तो मैनू नहीं पता। मैं क्या बच्चा जे पता होता तो सुननी ना होता। यही तो मसला है असल। ये क्या बात हुई? तुम्हें पता नहीं कुरान है ना, उन पता कर रहा है। फ्रांट सीटों वाले जरा मेहरबानी फरमाएंगे। ये गलत बात है, उम्मत को किसी और दलदल में मत घसीटा जाए, मेहरबानी करके कुरान का जो मफहूम है उसको समझा जाए। फरमाया जब मुश्किल आ जाए तो तुम नमाज से भी मदद ले सकते हो, सबर से भी ले सकते हो। नमाज भी गैरुल्लाह है और सबर भी गैरुल्लाह है। गैरुल्लाह की तरफ तो रब खुद भेज रहा है, तो शिर्क तो नहीं हुआ। समझ आ रही मेरी बात की? और नहीं, असल में ये सबब है अल्लाह की बारगाह तक पहुंचने के लिए, तो इसलिए मदद जायज है। तो मैंने कहा बताया, इस कायनात में कोई मेरे नबी से बड़ा सबब भी है? क्यों भाई? अगर सबब से ही मदद लेनी है, मैं बिल्कुल सादा इसी अंदाज में तकरीर करने का आदी हूं भाई, अगर सबब जो अल्लाह की बारगाह में जाने का सबब बन जाए, अगर उससे ही मदद लेनी है, तो भाई फिर आका से बढ़ के कौन सा सबब है? तो कहा कोई भी नहीं। मैं क्या फिर उन्हें कुल भी मदद ले सकता? बताइए सहाबा सबब हैं कि नहीं अल्लाह की वारगाह में जाने के लिए? अहले बैत बोलो ना, अहले बैत अथार सबब हैं कि नहीं है? कुरान सबब है कि नहीं है? काबा सबब है कि नहीं है? तो ये दो इसलिए बताए थे ताकि तुम्हें मालूम हो जाए, दो असी दसे ने, बाकी जेड़ा जेड़ा सबब हो वे ले सकते हो मदद। यही तो वजह थी सहाबा कराम अलैहिम रिदवान आका करीम के पास आते थे, हुजूर बारिश नहीं हो रही, मी तब सबाओ ना अल्लाह को जरा दुआ करो ना, सबाब चाहिए सी ना। हुजूर ने भी ये नहीं आख्या भी यार वही अल्लाह मेरा है, वही तुहाडा है, ओने ओवी मेरी सुननी तुहाडी, आपे ही मांग लो दुआ, मेरे को लाउंदे हो, ऐ तो शिर्क है ना। सुभान अल्लाह। चार पांच बंदे स्टेज पर भी बड़ी इस्तिकामत के साथ चुप करके बैठे हुए, आप बोल सकते हैं? इस बात को समझिए आप। तो ये उम्मत पर कुफ्र और शिर्क के फतवे ना लगाए जाए, समझ आ रही है? अच्छा देखिए ना, आंख निकले सियाबा की तो वो हुजूर के पास आ गए, और आका करीब भी क्या फरमाते हैं? ये नहीं कि चलो आ दवाई लाते आ वजीफा ही ते ऐन कर, ना 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 ना, औरे नेड़े आ, आंख रखी लाया लो आप तो छवेले फेट कर चढ़ी। कमाल वाली गल है यार, क्या ये है क्या, मुझे बताओ? ये तो नहीं पता। तो मैं कह यही इश्क है, यही सुन्नियत है, यही मोहब्बत है और यही हकीकत है। बाजू कट गया तो
तो वो हुजूर के पास आते हैं, मेरे आका करीम लुआ पे दहन लगा के जोड़ते हैं फैक्ट। समझ आ रही है आप अगर आपको कि कोई नहीं आ रही है? इसी आप देख ले यार, ये एक लंबी दास्तान है, तकरीर मेरी सारी इस पे हो जाएगी। मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि उम्मत पर कुफ्र शिर्क के फतवे ना लगाए जाएं, ये बुजुर्गों के पास सारे ही आए हैं। मैं एक सादा सी बात कह दूं अगर आप जाग रहे हैं तो, ये कैसी बात है, अपने पराये से भी मानते हैं। और देखें हजरत फारूक आजम का जमाना है, और कहना सारी किताबें भी लिखे ऐसी पढ़िया है, गल बड़ी सही है, सच्ची है, पकड़ी है। मैं को केड़ी, हजरत उमर का जमाना था, दरियाए नील सही नहीं चलता था, हर साल एक लड़की को तैयार करके डालना पड़ता था, तो फिर वो चलता था, एक जाहिलाना रस्म चल रही थी। तो वहां जब मुसलमानों की हुकूमत गई, उन्होंने हजरत उमर को खत लिखा, तो हजरत उमर ने फरमाया इस्लाम तो जहालत की किसी रस्म को पूरा करने की इजाजत नहीं देता, चूंकि ऐसी रस्म पूरी करने नहीं आए, ऐसी तो मुस्तफा की सुन्नत पूरी कर। आपने जब ये बात कही तो उन्होंने कहा भी सरकार फिर दरियाए तो सोकदा पिया दे, सीधा होकर नहीं बैठ उड़ता। तो आपने एक रुका लिखा कागज के ऊपर और फरमाया कि ये उमर बिन खत्ताब की तरफ से, दरिया ये अपनी मर्जी ना चलना, चलते भावे बुढ़ू ना चलते, ये रब चलाउंदा है, ये बंदे का पुत्र बन के चल। अगर आपके हाथ भी हैं तो आप उठा सकते हैं, कोई आज की बात नहीं। हाँ तो अनुकोज हो गया तो मैं जिम्मेदार हूं जनाब, कोई टेंशन वाली गल नहीं, रज के बोलो तो खुश होके बोलो। आपने जब ये बात आपने रुका लिख दिया, और यार किसी ने भी नहीं आख्या यार अल्लाह के अलावा तू कुछ कर ही नहीं सकता, किसी ने भी नहीं आख्या। उन्होंने रुका लिया, अगलिया भी नहीं आख्या भी हजरत दरिया को पढ़िया लिखा है, वह दिमाग है, वह अखा ने, वह कड़ा कभी को कालज गया है, वह उन्होंने कितों परची पढ़नी आनी है। उन्होंने भी पढ़िया तो दरिया के बिच सुटिया, तो दरिया अज नहीं कियामत तक वास्ते बंदे का पुत्र बन के चलता पाया। आपने तवज्जो नहीं फरमाई, फ्रंट सीटों वाले दो चार बंदे चुप करके बैठे हुए, ये क्या है सब कुछ मुझे पता। ओए अल्लाह के बंदो, अल्लाह ताला जिसको ताकतें आता कर दे वो सब कुछ कर सकता है। असल बात ये है, अब बात समझ आई है आप सभी हजरात को कि कोई नहीं आई? तवज्जो मेरी तरफ, तवज्जो मेरी तरफ गिरामी कदर हजरात, इस वास्ते इन मसाइल को समझिए, कुरान मजीद कुरान रशीद। हाँ इधर देखिए, मसला मैं आपको समझा दूं, असल में खता कहां से खाते हैं। मसला ये है कि अगर आपने किसी से मदद मांगी है खुदा समझकर, तो आप मुशरिक हो जाएंगे। अल्लाह के अलावा किसी को खुदा समझ के मांगी तो मुशरिक हो जाओगे। हाँ अगर अल्लाह के अलावा किसी से इसलिए मांगी, यार असली मददगार अल्लाह ही है, मगर तवज्जो फरमाएं भी तवज्जो, असली मददगार अल्लाह ही है, लेकिन अल्लाह ताला जिस पर फजल कर दे उसको ये ताकत बख्श देता है कि वो किसी की भी मदद कर सकता है। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि अल्लाह ने इसको ताकत दी हुई है, बस अगर ये अकीदा है दैट्स ओके, कोई शिर्क नहीं है जनाब, ऐ मसला। वरना पे बंदा अपने चाचे नु कहिंदा है, मामे नु कहिंदा है, रिश्तेदारां नु गुआंढी नु कहिंदा थोड़ी जी मदद कर दे, तुसी तो फारग हो। फिर मैं छोटी सी मिसाल दे यार, सारियां छड़ दियो, सारियां छड़ दियो, हमारे मुल्क को अल्लाह ताला हर आफत से महफूज फरमाए। सैलाब कितना आया हुआ है, है? अब देखिए सारे ही बंदे, अब इसमें मैं किसी पे तंकीद नहीं कर रहा, लेकिन मसला मैं खोल के रख रहा हूं। सुनियों के अलावा भी जितने मसाले कहना वो भी सारे टेंट लगा के बैठे, को घंटा घर बैठा, देखो जना गुमटी बैठा, देखो फलाना इमदाद कीजिए। मैं क्या आही इमदाद असी हौस पाक को मंगी है, घंटे घर तू सारे जनाब बिजनेसमैन तो मंगे तो जायदा बिजनेसमैन कर सकता, गौसे आदम नहीं कर सकता।